हापुर में एक वार्ड गर्ल के साथ रेप का मामला आया सामने। पूरा मामला जीएस मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का है, जहां हॉस्पिटल के सुपरवाइजर ने हॉस्पिटल में ही काम करने वाली 22 साल की वार्ड गर्ल को अपनी हवस का शिकार बना डाला और मौके से फरार हो गए। पीड़ित वार्ड गर्ल की हालत बेहद नाजुक है, जिसके चलते वो बोल भी नहीं पा रही है। तो वहीं हॉस्पिटल का डायरेक्टर रेप की घटना को महज छेड़छाड़ की घटना बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्योंकि हमें जो है परसों शाम को ये पता लगा था कि कोई एक स्टाफ मेंबर जो है फिफ्थ फ्लोर पे अनकॉन्शियस है, तो उसे अनकॉन्शियस स्टेट में नीचे कैजुअल्टी में ले आया गया। बीइंग ए स्टाफ हमने उसे कैजुअल्टी में एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उसे जो है इलाज दिया, तो वो आज शाम को जैसे ही होश में आई और उसने जैसे ही बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, तो मैं जाकर उससे पर्सनली मिला। तो उसने मुझे बताया कि सर किसी ने मेरे साथ थोड़ा सा मोलेस्टेशन, ऊपर से हाथ वाथ डाला है। तो तुरंत ही हमने इसकी इन्फॉर्मेशन चौक इंचार्ज साहब को और SHO साहब को दी। ये थाना पिलखो क्षेत्र में इस तरह की एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें यहाँ वार्ड नर्स है, उसने वहीं स्टाफ एक सुपरवाइजर है उसके ऊपर ये आरोप लगाया कि उसके ऐसे एक घटना कारित की है। तो मामले को रजिस्टर करके वो आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है।